मणिपुर में बुधवार को आदिवासियों के प्रदर्शन के दौरान हिंसा हो गई। इसके बाद राज्य के 8 जिलों में कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। इंटरनेट और मोबाइल सर्विसेज 5 दिन के लिए बंद कर दी गई। आर्मी और असम राइफल्स तैनात कर दी गई। 7,500 लोगों को राहत कैंपों में शिफ्ट किया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह से फोन पर बात कर हालात की जानकारी ली। बीरेन सिंह ने आज सुबह एक वीडियो मैसेज जारी कर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। ऑल इंडिया ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ने बुधवार को ट्राइबल सॉलिडरिटी मार्च बुलाया था। इसी दौरान आदिवासी और गैर आदिवासी समुदायों में झड़प हो गई। आदिवासी समुदाय उस मांग का विरोध कर रहा था जिसमें डिमांड की जा रही है कि गैर आदिवासी मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा दिया जाए। मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि मैतेई समुदाय की डिमांड पर विचार करे और 4 महीने के भीतर केंद्र को इसकी रिपोर्ट भेजे। इसी आदेश के बाद आदिवासी और गैर आदिवासी के बीच हिंसा शुरू हो गई।